नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि LIC का प्रीमियम हम क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करेंगे। तो इसके लिए जो है हम ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाने के बाद LIC इंश्योरेंस की वेबसाइट पे हमें जाना होगा। तो जैसे हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वेबसाइट ओपन होगी और ये जो ऐड आ रहा है इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। फिर इसके बाद जो है कस्टमर पोर्टल आ रहा है, कस्टमर पोर्टल पर हमें क्लिक करना होगा। और कस्टमर पोर्टल पर क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें जो भी हमारा लॉगिन आईडी है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा। तो इसके बाद जब हम कस्टमर पोर्टल पर क्लिक करेंगे और एक अलग लिंक पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज एक्सटर्नल लिंक। अभी हमारा नया पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्विक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिन्यूअल प्रीमियम, रिवाइवल और एडवांस प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा रिन्यूअल है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा, फिर डन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर वैलिडेशन आ रहा है, प्रीमियम पर्टिकुलर आ रहा है, फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम जो है यहाँ पे पॉलिसी नंबर अपना इंटर करेंगे, जो हमारे बॉन्ड पे लिखा जाता है उसको इंटर करेंगे। फिर उसके बाद इंटर करने के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ हमें इंटर करना होगा। फिर ईमेल आईडी, जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो हमारा पॉलिसी में हमारा डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगा वही डेट ऑफ बर्थ हमें जो है यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो पॉलिसी नंबर इंटर करने के बाद DDMM YY में जो है हमें अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपडेट करना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम अपडेट कर रहे हैं DDMM और YY में। तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के बाद इस पॉलिसी पे जो भी ईमेल आईडी अपडेट होगी वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है हमें अपडेट करना होगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर हम इसके बाद अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद फिर आगे के लिए हम प्रोसेस करेंगे। तो ईमेल आईडी हमने अपडेट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दिया, पॉलिसी नंबर कर दिया, लास्ट में जो हमारा मोबाइल नंबर है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है उसको आई एग्री करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जो है रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जो है इसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और फिर ऐड टू लिस्ट आ रहा है, फिर पॉलिसी नंबर आ रहा है, इसके ऊपर डिटेल आ रहा है, मतलब कि किस डेट को जो है इसका ड्यू डेट था और किस डेट से किस डेट का जो है ये पे किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दे रहा है, अमाउंट क्या था, तो सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिख रहा है। फिर आगे जो है चेक एंड पे का ऑप्शन आ रहा है, तो चेक हो चुका है, अब पे पे हम क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे पेमेंट का मोड आएगा, या पेटीएम के थ्रू ऐड करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं, या और भी कोई आपका जो UPI है उसके थ्रू, या फिर कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे चेक एंड पे पे आ रहा है पेटीएम PG। तो यहाँ पे हम पेटीएम पे क्लिक करेंगे, और पेटीएम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कार्ड नंबर अपना इंटर करेंगे। कार्ड नंबर इंटर करने के बाद उसका एक्सपायरी और वैलिडिटी जो भी है उसको हमें कार्ड के ऊपर लिखा रहता है उसको अपडेट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम CSV नंबर जो कि कार्ड पे लिखा रहता है उसको जो है अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद चेक मार्क पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे के ऑप्शन पे जाएंगे। पे के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से अपना पेमेंट का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये OTP आ रहा है हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे, उस OTP को हमें एंटर करना होगा। तो वन टाइम पासवर्ड जो है यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड हमारे पास SBI के थ्रू आ चुका है। वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद ये पेमेंट का प्रोसेस जो आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली जो है कंप्लीटेड हो चुका है। और उसके बाद LIC से भी मैसेज आने लगा कि हाँ, आपने 14,482 रुपये का जो है पेमेंट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से, या फिर LIC के साइट पे जाके और अपने रजिस्टर्ड नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेल पे भी, आपके रजिस्टर्ड मेल पे भी इसका रिसिप्ट आ जाएगा। तो अभी हम LIC के पोर्टल पे चले गए और डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद फिर हम इसे किस पाथ पे हम डाउनलोड करना चाहते हैं उसे चूज करके फिर इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल दिखेगा। धन्यवाद।